नमस्ते एंड हेलो एवरीवन. आज हम लोग जेनेटिक्स का अपना पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और विच इज क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. और ये बहुत इम्पोर्टेंट फाउंडेशन चैप्टर होने वाला है. आगे आने वाले जेनेटिक्स के जितने भी लेक्चर हैं कहीं ना कहीं वो इससे जुड़े हुए होंगे. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देगा जिससे कि आपके आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनका कॉन्सेप्ट जनरेट करने में हमें बहुत बहुत आसानी होगी. तो उसको बहुत अच्छे से सुनना है और देखना है. सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा जो फोकस होना है इस चैप्टर में, हर एक चैप्टर का एक थीम फोकस होता है कि किस तरीके से जो क्रोमोसोम है वो बिहेवियर करता है या उसका सेपरेशनल बिहेवियर पैटर्न कैसा है. जितना अच्छे से स्ट्रांगली आप इसको पकड़ेंगे, इसको समझेंगे, उतना ही आपका लिंकेज का, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन, ये सारी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे. तो हम लोगों को एक तरह से मियोसिस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है कि किस तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से जो जीन है वो सेपरेट हो रहे हैं, किस तरीके से रिलाई हो रहे हैं, वो सारी चीजों को हम लोगों को समझना है. तो चलिए, तो जैसे कि इस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में क्या दिया हुआ है कि देयर आर सो मेनी स्पर्म्स और यहाँ पे क्या है, एक ओवा है जो कि एक स्पर्म जो है वो फ्यूज हो रहा है. तो व्हाट इज दिस, दीज आर स्पर्म सेल्स और स्पर्म सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, गैमेट सेल्स भी कहते हैं. गैमेट है ये, ओके. और ये क्या है, ओवम है, ओके. और ये भी क्या है, गैमेट सेल है. तो दिस स्पर्म सेल ऑब्वियसली इज कमिंग फ्रॉम अ मेल फादर एंड दिस वन इज कमिंग फ्रॉम अ फीमेल. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है, फिर ये आगे क्या बढ़ के होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, जहाँ पे एक जो स्पर्म है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, लगभग 250 से 300 मिलियन स्पर्म्स है और वो ओवा से फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करते हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, जायगोट का प्रोडक्शन होता है. तो जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, फादर से सपोज एक क्या आ रहा है, स्पर्म सेल है, और मदर से ओवा. अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपने इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा स्पर्म सेल को बना लेते हैं और दिस इज अ न्यूक्लियस. और यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो यहाँ पे इसको हम लोग चलिए रेड कलर से लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. और क्योंकि ये यहाँ पे अगर हम इमेजिन करते हैं कि चलो कि जो जायगोट के बाद जो बॉडी बनेगी वो एक मेल बॉडी होगी, तो जो फादर की तरफ से 6 क्रोमोसोम जाएगा वो क्या होगा, वो वाई होगा. एक्स भी जा सकता है अगर फीमेल बॉडी का प्रोडक्शन है, पर सपोज मेल बॉडी है तो होने वाला है आगे, तो क्या होगा, वाई हम यहाँ से जाएगा. और दूसरी चीज आप यहाँ पे देखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं ह्यूमन के केस में क्या होता है, ये जो पूरा आपका जो 23 क्रोमोसोम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो एक्चुअली में ये 23 क्रोमोसोम को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक सेट कह सकते हैं. और इस एक सेट को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैप्लॉयड. क्योंकि सभी क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट प्रेजेंट है, एकदम मार्क करना है इस पॉइंट को, एक ही सेट है. यानी ये क्रोमोसोम नंबर एक जो है वो अकेला एक ऐसा है, एक ही है. ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये 3 है. ऐसा नहीं है कि इस क्रोमोसोम नंबर 1 की तरह यहाँ पे कोई और क्रोमोसोम 1 की तरह मौजूद है. तो यहाँ पे क्या है, 23 का एक सेट है, ठीक है, एक सेट हुआ. तो सभी क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग है, भिन्न है, राइट. उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसको भी हम लोग ड्रॉ करें कि सपोज दिस इज ओवा, और यहाँ पे हम इसको भी इसी तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करें, और मदर के क्रोमोसोम को हम ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. और यहाँ पे क्या होगा, एक 6 क्रोमोसोम होगा. तो मदर के केस में क्योंकि एक्स ही मौजूद रहता है, तो यहाँ पे एक एक्स आ जाएगा. यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने ड्रॉ किए
23 क्रोमोसोम, जो कि एक सेट हम इसको कह सकते हैं, और यहाँ पे भी एक सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन नंबर से, यानी कि ये भी क्या है, एक हैप्लॉइड सेट है, यानी कि इसके जैसा ऐसा नहीं है कि इस क्रोमोसोम नंबर वन की कोई एक और कॉपी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम नंबर वन इसके इनके पास है, तो इनके पास भी इधर से क्रोमोसोम नंबर वन है। हालांकि ये वन और ये वन एकदम सिमिलर होंगे, पर क्योंकि अभी तो ये अलग अलग सेल में है और अपनी एक उनकी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, और ये सभी यहाँ पे भी क्या है, 23 क्रोमोसोम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए हम इनको नाम भी दे देते हैं, क्रोमोसोम नंबर वन, क्रोमोसोम नंबर टू, थ्री, मीन्स एक दूसरे से अलग है। अब क्या होगा आगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन के समय फिर आगे क्या होगा, फिर आगे हम ड्रॉ करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो अब आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा भी अगर कहीं पे भी मिसिंग कॉन्सेप्ट होगा तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करेंगे, सारे रेड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ओके, और एक क्या है, वाई क्रोमोसोम है, ठीक। मदर से भी आएगा तो मदर का भी क्रोमोसोम नंबर वन हम बगल में लिख दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, और एक क्या आ रहा है, एक्स क्रोमोसोम, ओके। अब यहाँ पे अब आप क्या क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अब क्या हो गए, एक एन जो है वो कहाँ से आया, फादर से, एक सेट जो आ रहा है मदर से आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2N लिख सकते हैं, या कह सकते हैं एक N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट कितने का, 23 क्रोमोसोम का, और ये कितना, ये एक सेट। तो अब यहाँ पे क्या इसको हम डिनोट कर रहे हैं, डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड का दूसरा भी मतलब हम क्या निकाल सकते हैं कि हर एक क्रोमोसोम जो है जाइगोट में कैसे प्रेजेंट है, कॉपी के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी एक कॉपी फादर से आ रही है क्रोमोसोम नंबर वन की, और एक जो है आ रहा है मदर से। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर वन है, अगर हम इसको देखें तो वो क्या है, सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम है, ठीक, इसीलिए उसको बगल में लिख दिया, तो एक सेट फादर से, एक सेट मदर से, अब ये दोनों मिलके क्या हो गए, डिप्लॉयड सेल हो गए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि यहाँ पे ये जाइगोट जो है ये आपका 2N नंबर का बन गया। अब आगे क्या होगा, ये जाइगोट जो है फर्दर क्या प्रोसेस करेगा, डिविजन करेगा और डिफरेंशिएशन करेगा। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत डेवलपमेंटल उसके कॉन्सेप्ट के डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पर एक आइडिया हमें होता है, डिविजन का मतलब क्या होता है, एक सेल जो है वो डिवाइड कर रही है, वो दो बना रही है या चार बना रही है, राइट, माइटोसिस मियोसिस का डिविजन हो सकता है। और डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है कि एक जो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सेल है वो एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होगी या उसको एक रिस्पेक्टिव सेल्स में ओरिएंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ सेल्स हैं तो हो सकता है एक प्रकार की जो सेल्स हैं वो हर्ट सेल्स बनाने के लिए आगे बढ़ जाएं, कुछ सेल्स हैं लंग बनाने के लिए, तो ये क्या हो रहा है, सेल्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिविजन मीन्स डिवाइड करना। तो यहाँ पे जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो इसमें हमें क्या देखने में मिलेगा कि यहाँ पे हमें दो चीजें होंगी, एक ऐसी डिविजन और डिफरेंशिएशन के बाद हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये बार बार डिवाइड हो रही है, ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट को ही हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और ये पूरे जो है ये सभी क्या है, 2N नंबर है, डिविजन हो रहा है, माइटोसिस डिविजन हो रहा होगा, ये क्या हो रहा है, डिवाइड करके डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ ही ये डिवाइड कर रही हैं। अब इसमें क्या होगा कि कुछ जो सेल्स होंगी हो सकता है वो चली जाएं ब्रेन सेल्स बनाने के लिए, कुछ सेल्स होंगी हो सकता है वो लंग सेल्स बना रही हैं, कुछ सेल्स जो है वो बॉडी के कुछ और ऑर्गन्स के फॉर्मेशन के लिए चले जा रही हैं, कुछ ऐसी सेल्स होंगी जो कि हो सकता है
क्या बना है, वो आपके जर्म सेल्स की तरह बिहेव करें या गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन करें। यहाँ पे लिख देते हैं जर्म सेल्स, ठीक है। और ये जो जर्म सेल्स होंगी ये बेसिकली कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होगा, इनका गोनाड्स। और ये जो गोनाड्स हैं ये मेल में, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये कौन से क्या कहलाते हैं, टेस्टिस कहलाते हैं। और फीमेल में ये क्या कहलाते हैं, ओवरी कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये फर्दर इस यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। और यहाँ पे क्या होगा, इन सेल्स में जो होंगी ओजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, तो यहाँ पे स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जो है बनाएंगी एग सेल्स या ओवा, राइट। तो अब हमारे पास क्या आ गई, और ये जो है तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आ गई। एक क्या आ गया, हमारे पास सोमैटिक सेल्स आ गए। तो सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स में क्या अंतर है, अभी इनिशियली दे आर डिप्लॉयड, मीन्स ये क्या है, ये डिप्लॉयड है। और ये सोमैटिक सेल्स जो है माइटोसिस करते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और हमेशा अपने जैसे ही टू एन नंबर ऑफ क्या बनाते हैं, उन सेल्स बनाते हैं, यानी डिप्लॉयड ही होंगी ये सेल। उसका मतलब क्या हो गया, यानी फादर से एक सेट रहेगा 23 क्रोमोसोम का, और एक मदर का सेट रहेगा 23। तो टोटल कितना हो जाएगा, 46। तो ये रेगुलरली। और ये सोमैटिक्स क्या होती है, जर्म सेल्स जो हैं उनको, जर्म सेल्स जो कि आपके गैमीट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं, उनको छोड़ के बाकी बॉडी की सभी जो सेल्स हैं वो क्या है, सोमैटिक सेल्स होती हैं, या और क्या होती हैं, डिप्लॉयड इन नंबर होती है, ठीक। और वो माइटोसिस से अपने आप को क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं या मेंटेन करती हैं। अब यहाँ पे बात आती है जर्म सेल्स। देखिए जर्म सेल्स क्या है, इनिशियली क्या है, वो डिप्लॉयड ही है, ठीक। बाकी जो फर्दर है इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ जो सेल्स हैं वो डिवाइड, सेल्फ डिविजन करेंगी, यानी माइटोसिस करेंगी और अपने नंबर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगी। कुछ जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, मियोसिस करेंगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे मियोसिस होगा इनमें, और मियोसिस के बाद ये क्या रिप्रोड्यूस करेंगी, गैमीट सेल्स। अब गैमीट सेल्स का क्या मतलब है, जो अभी हम लोगों ने देखा स्पर्म और ओवा, उसमें क्या सेट था, फादर के पास अपना एक सेट था 23 क्रोमोसोम का, और मदर के पास अपना एक सेट था, ठीक है। यानी उनमें अपने अपने एक सेट थे, यानी किसी भी की भी कॉपी नहीं थी, डिप्लॉयड सेट नहीं था, ओके। तो ये ध्यान में रखना है। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि हमें पता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी क्या बात की, टेस्टिस की बात की और ओवरी की बात की, और वहां पे ही क्या होती है, ये जो जर्म लाइन एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो क्या करती है, मियोसिस करेंगी या माइटोसिस करेंगी। तो हमें यहाँ पे इस डायग्राम में बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है कि हमारे पास क्या चल रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल बॉडी है अगर, तो टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और अगर फीमेल बॉडी है तो ओवरी में ओजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हमें दिख रही है जर्म लाइन सेल्स जो हैं वो माइटोसिस करके क्या कर रही हैं, अपने आप को मेंटेन भी कर रही हैं, ठीक है। कुछ सेल्स जो हैं वो गैमीट बनाने के लिए चल चल दी हैं, और कुछ जो सेल्स हैं वो अपने आप को मेंटेन करेंगी, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी होता है, तो चलिए पहले उसको हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो वो सेल्स जो कि अब आगे बढ़ रही हैं गैमीट सेल्स के फॉर्मेशन के लिए, यानी वो मियोसिस करेंगी, तो वो क्या कहलाती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती हैं, राइट। तो वो क्या कहला रही हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती हैं। उसके बाद पहला मियोसिस फर्स्ट होता है, इनमें दो सेल्स बनते हैं, और ये दो सेल्स क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये फर्दर मियोसिस सेकेंड करने के बाद क्या बना रहे हैं, स्पर्मेटर्स बना रहे हैं, जो फर्दर ही क्या फॉर्मेशन करेंगे, स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे।
तो हमारे पास क्या हो गया, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ, कुछ सेल्स जो है अपने आप को मेंटेन कर रही हैं और कुछ सेल्स जो है वो मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड के बाद क्या बना रही हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना रही है। सभी क्या है, इनमें स्पर्म सेल्स में क्या है, एक एक ही सेट है 23 क्रोमोसोम का, ठीक, कॉपी नहीं है। और इसमें क्या हुआ, ओजेनेसिस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है जो फॉर्म हुई वो अपने आप को रिटेन कर रही हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ओगोनियम का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट्स जो हैं वो आगे बढ़ेंगी क्या बनाने के लिए, ओवम बनाने के लिए, एक्सल्स बनाने के लिए। तो मियोसिस फर्स्ट पहले होगा, दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा और उनको हम क्या करेंगे, सेकेंडरी ओसाइट। सिमिलरली जैसे यहाँ पे पहली बार मियोसिस हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं, प्राइमरी ओसाइट का पहली बार जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन हुआ, जब दोबारा मियोसिस सेकेंड हुआ, मियोसिस सेकेंड में चार बन रही है पर तीन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, जिन्हें हम पोलर बॉडीज कहते हैं, और एक फंक्शनल होती है जिसे हम कहते हैं ओवम। तो ये एक पूरा एक आइडिया हमारे पास आ गया। और यहाँ पे भी इसके पास, इनके पास भी क्या होगा, कितना होगा, एन नंबर। तो यानी इसके बाद गैमेटोजेनेसिस के बाद हमें क्या दिख रहा है कि मेल में चार गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ओजेनेसिस में भी चार होते हैं पर एक ही फंक्शनल या एक्टिव गैमेट होता है, राइट। तो ये हमारी चीजें हुई, इसके बारे में थोड़ा एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। अब हमें जो है मियोसिस को ही थोड़ा बेहतर तरीके से समझना है अपने जेनेटिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि किस तरीके से जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं वो आ रहे हैं, किस तरीके से सेट मेंटेन हो रहा है या सेग्रीगेट हो रहा है। ये हमें, जब हमें वो समझ में आएगा तो हम जीन को समझेंगे और फिर एलील्स के सेग्रीगेशन को हम समझ पाएंगे। तो आई होप कि ये चीज आपको बेहतर और क्लियर समझ में आई होगी।